थका हारा कालू जब घर आता है तो उसकी पत्नी मीनू उससे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद ये थोड़ा सामान मुझे लाकर दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे मीनू, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर अभी का काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौवा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और दो बच्चों के साथ मुंबई के पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था, कालू कौवा पीछे से दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता, और मीनू बहुत ही समझदार चिड़िया थी, वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौवा की आंख खुलती है तो उसे बाहर बारिश का शोर सुनाई देता है। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश! हाँ जी, बहुत घोंसलाधार बारिश हो रही है, मेरी तो आंख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना? हाँ हाँ, इंद्र देवता तो आकर वैज्ञानिकों को बता कर जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा, बरसात का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है, कोई नहीं सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर सो जाते हैं, पर जब सुबह में उठते हैं तो बारिश बहुत ही तेज हो रही होती है। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि बारिश सुबह तक रुक जाएगी, आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि पच्ची दुकान ही ना खोलें। एक बारी जरा आप जाकर देखो, कोई ना कोई दुकान तो खुली ही होगी, थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही बात सोच रहा था, कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊंगा, आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बड़े खुश थे क्योंकि बारिश की वजह से आज उनके स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाकर बारिश में भीगने लगे। लाडो, ओ लाडो, तुम दोनों से मना किया था कि तुम बारिश में मत भीगना, फिर भी तुम दोनों बाहर खेल रही हो। चलो जल्दी घर के अंदर चलो, बहुत तेज बारिश है, लगता है एक दो दिन नहीं रुकेगी, अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने तो ना, थोड़ी देर में ही अंदर आ जाएंगे, बस माँ थोड़ी देर। बच्चे मीनू चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौवा बारिश में छाता लिए बहुत सारी जगहों पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने भी दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस हफ्ते तेज बारिश होने की संभावना है, जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहें। और कालू कौवा ये सुनकर खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता, मीनू जरा देखभाल कर खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच कर देखो, अब तो बस बारिश रुक जाए। इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी, अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे, बच्चियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद अंदर आ गए थे, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को बारिश में नहीं भीगना, हो गया ना खांसी जुकाम? बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, दूध तो नहीं है, मैं इन्हें थोड़ी काली चाय बना कर देती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम महसूस करें। मीनू जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बना कर लाती है। चाय पीने के बाद उन्हें थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवे को खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसने क्यों मीनू की बात नहीं मानी, जैसे तैसे करके रात कटती है। बारिश भी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब तो घर की छत भी चौंचाने लगी थी। हे भगवान, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों की ही मुसीबत आन पड़ती है। ज्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से ही गुजरती है, और ये बरसात, इसने तो जीना ही हराम कर दिया।
बस करो प्रभु, बस करो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और घर में खाने के लिए राशन भी खत्म है और मैं काम पर नहीं गया तो कैसे चलेगा। कुछ देर बाद ऊपर से घर की छत टपकने शुरू हुई तो सारी ही घर की छत टप टप करने लगी। ये लो एक और मुसीबत शुरू हो गई। अब इस टपकती छत का इलाज क्या है। मीनू तुझे याद है पिछली बार जब मैं शहर से आया था तो एक बड़ी सी पन्नी लेकर आया था, याद है, कहाँ रखी है। मीनू कालू कौवे को वो पन्नी लाकर देती है। कालू कौवा टूटे हुए एक हिस्से पर उस पन्नी को बांध देता है। अब सारा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। तेज बारिश का पानी अब सीधा घर के अंदर घुस रहा था। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत कर, तू आज का दिन काट ले, मैं कहीं ना कहीं से कल कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है। वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए घर से निकल जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। मीनू फटाफट सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ये बारिश रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम वौसम सब अमीरों के लिए ही बने हैं। हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत ही बनकर आता है। सही कह रही है तू, इस अचानक आई बारिश ने तो सबक सिखा दिया। आज के बाद कभी भी घर में राशन खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। उसके बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी मीनू चिड़िया भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि बारिश रुक गई। रामपुर के जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति सोनू चड़ा के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति सोनू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस बार अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएं। अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो हम आधी फसल बेच देंगे और उन पैसों से अपने लिए एक पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कहती हो मीनू, इस बार हम अपने खेत में अंगूर की ही फसल उगाएंगे, लेकिन हम बीज लाएंगे कहाँ से, उनके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी मौसी पिंकी चिड़िया के घर जाऊंगी और उनसे कुछ अंगूर के बीज लेकर आऊंगी। पिछले साल उनकी अंगूर की फसल अच्छी हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम अपनी मौसी के बीच जितने अंगूर वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी अंगूर के बीज लेने के लिए पिंकी मौसी के घर जाते हैं। क्यों मीनू, आज कैसे मौसी की याद आ गई? वैसे तो कभी भी मौसी को याद नहीं करती हो। जरूर कोई काम होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ मुझसे क्या काम है। क्या बताऊं मौसी, घर के कामकाज और खेत के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है, अभी हमने अपने खेत में किसी भी फसल की बुवाई नहीं की है। बारिश भी हो रही है, सोचा था इस बार अपने खेत में अंगूर की फसल करूं, लेकिन बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमें अंगूर के कुछ बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी अंगूर की फसल पक जाएगी हम आपके बीज वापस कर देंगे। तो ठीक है, तुम ले लो मुझसे बीज, लेकिन समय से बीज के बराबर मुझे अंगूर वापस कर देना। पिंकी चिड़िया मीनू चिड़िया को अंगूर के बीज दे देती है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अंगूर के बीज लेकर घर वापस आ जाते हैं और वो दोनों अपने खेत में अंगूर के बीज बो देते हैं।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कई दिन हो गए हैं खेत में बीज डाले, चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। खेत पर जाकर सोनू चिड़िया देखता है। अरे ये क्या, ये फसल तो सूख रही है, हमें इसे पानी देना होगा नहीं तो ये पूरी तरीके से सूख जाएगी। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और उनके खेत में अंगूर की फसल लहराने लगती है। जब उनकी अंगूर की फसल पक जाती है तो वो दोनों उसे तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारियां करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहां आ जाता है। अरे तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे, कहां तू बाजार में लेकर जाएगा? नहीं नहीं मुखिया जी, अभी हम अपने अंगूर की फसल किसी को भी नहीं बेचेंगे, जब बाजार में दाम भरेंगे तभी बेचेंगे। मीनू की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया अंगूर के बीज की बराबर अंगूर अपनी मौसी को वापस कर देती है। कुछ दिनों बाद बाजार में अंगूर के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। तब मीनू चिड़िया अपनी सारी अंगूर की फसल को बाजार में बेच देती है और फिर फसल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से मीनू और सोनू चिड़िया अपने लिए एक पक्का घर बनाते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले कश्मीर के जंगल में मीनू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो साहूकार के घर में काम कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, पर गरीब मीनू चिड़िया टूटे फूटे घर में अपना गुजारा कर रही थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। उसकी दवा लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो साहूकार से कहती है, मालिक मेरी बेटी बीमार पड़ गई है, उसे ठंड लग गई है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं उसका इलाज करवा लेती। देख मीनू, मैं तुझे काम के बदले पैसे दे सकता हूँ, तेरी बेटी बीमार है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे जैसे और भी नौकर मेरे यहाँ काम करते हैं, अगर मैं ऐसे पैसे देने लगा तो मैं भी कंगाल हो जाऊंगा, मैं तुझे फालतू पैसे नहीं दे सकता। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मालिक ऐसा मत कहिए, पिछले इस तूफान की वजह से ही मेरा पति मर गया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती, मुझ पर दया करिए मालिक। तो ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घर मेरे नाम कर दे और पैसे ले जा। मालिक अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, तू कहीं और जाकर पैसे मांग। तो फिर ठीक है मालिक, मैं अपना घर आपके नाम कर देती हूँ, मेरी बेटी की जान मेरे घर से ज्यादा कीमती है। मीनू अपना घर साहूकार के नाम कर देती है और उससे पैसे लेकर अपनी बेटी का इलाज कराती है। दो दिन बाद ही साहूकार मीनू चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेता है। माँ अब हम इस तेज बारिश में कहाँ रहेंगे, वैसे भी लाडो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तुमने अपना घर बेचकर ठीक नहीं किया। माँ क्या करती, अपना घर बेचने के सिवाय मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। माँ देखो ना, लाड़ो ठंड से कपकपा रही है, जल्दी चलो माँ।
हे भगवान, हमें इस मुसीबत से जल्दी निकालो, कोई तो आसरा दो हमें। बस बेटा, थोड़ा हौसला रख, हमें रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा। मीनू अपनी बेटी लाड़ो और अपने बेटे सोनू के साथ नए घर की खोज करने लगती है। अचानक सोनू को नारियल का ढेर दिखता है। माँ, वो वहाँ नारियल का ढेर पड़ा है, हम नारियल से अपना घर बनाते हैं। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। मीनू अपने बेटे सोनू के साथ मिलकर नारियल का घर बनाती है। माँ, तुम्हें उस लालची साहूकार के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना व्यापार करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ पर कितने सारे नारियल पड़े हैं, हम नारियल की बर्फी बनाकर बेचेंगे। आपको तो कितनी अच्छी नारियल की बर्फी बनाना आती है। मीनू को अपने बेटे का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले दिन से नारियल की बर्फी बनाकर बेचती है। कई बच्चे उसकी दुकान से नारियल की बर्फी खरीदते हैं। देखा माँ, अपनी नारियल की बर्फी कितनी अच्छी बिक रही है, सभी बच्चियों को पसंद आ रही है। हाँ बेटा, ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है। इस तरह मीनू चिड़िया बारिश के मौसम में नारियल की बर्फी बेचकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ नारियल के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें गरीबों से उनका हक नहीं छीनना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि मीनू चिड़िया का घर किसने ले लिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।